लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ पार्ट। हमें यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर इज देयर, एक्स वाई इज देयर, वाई स्क्वायर इज देयर, राइट साइड पे 100 है। तो सबके लिए हमारा डेरिवेटिव निकलेगा, एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव निकलेगा। वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर एज वेल। राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ 100 भी लिया जाएगा, सॉरी दिस इज डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स लिख लेना। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या होगा। एक्स स्क्वायर का तो बहुत सिंपल है, इट वुड बी 2x, क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी भी टर्म का, सिंपल टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स टू द पावर एन है तो एन आगे आ जाते हैं, और एक्स एक्स की पावर क्या हो जाती है, एन माइनस वन, एक टर्म से रिड्यूस हो जाती है। हेयर यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल एज वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन। तो एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो गया, देन वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव हमारा वन हो जाएगा, विच इज डी एक्स ओवर डी एक्स विच इज वन। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा 2y, और y का क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स लोगे 100 का, सो इट वुड बी 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज देयर, देन प्लस y प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज देयर, राइट साइड पे 0। तो फर्स्ट सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज देयर। लास्ट टर्म पे क्या है, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज देयर। टू एक्स को राइट साइड ले जाओ, माइनस टू एक्स बन जाएगा, वाई को राइट साइड ले जाओ, माइनस वाई बन जाएगा। नाउ ट्राई टू टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन फ्रॉम लेफ्ट साइड, आपके पास क्या वैल्यू आती है, एक्स प्लस टू वाई इज देयर। तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स वुड बी इक्वल टू माइनस कॉमन 2x प्लस वाई बन गया हमारा, नीचे क्या बन जाएगा, एक्स प्लस टू वाई इज देयर। सो दैट वुड बी योर डेरिवेटिव फॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।